Welcome to Let's Learn Academy. I am Ashika Panikkar and today we will be doing an English poem, Amanda. Amanda is the name of a naughty young child just like you, but not so good as you. And this poem is written by Robin Kleene. पूरी पोएम में बस बेचारी अमांडा को डाटा ही जा रहा है, देखते हैं कितना डांट रहे हैं और कैसा डांट रहे हैं। Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. Here, hunch your shoulders means जब कोई lazily अपने shoulder के ऊपर सिर tilt करके यूं ही पड़े रहे तो हम कहते हैं hunching your shoulders. Then slouching. Stop that slouching means जब कोई lazily खड़ा होता है सीधा straight खड़ा नहीं रहता है तो हम कहते हैं slouching. So her mother says, don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. आप पूरे पोएम में आप देखेंगे बीच बीच में कहीं पे ब्रैकेट्स में कुछ चीज़ें लिखी होंगी. वो ब्रैकेट में जो चीज़ें लिखी है दोज आर अमांडाज ओन थाट्स. देर इज अ लैंग्विड. लैंग्विड मीन्स रिलैक्सेशन, बहुत ही फ्री काम. एमरल्ड सी. एमरल्ड इज एक्चुअली द कलर ऑफ द सी, ग्रीनिश काइंड ऑफ. There is a languid emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. वो कहती है कि एक बहुत ही शांत समुंदर है जहाँ पे रहने वाली सिर्फ मैं अकेली हूँ. Inhabitant मतलब रहने वाली, सिर्फ मैं अकेली हूँ. A mermaid, mermaid मतलब जलपरी. Drifting blissfully, drifting मतलब धीरे धीरे मूव करना. blissfully मतलब बिना किसी टेंशन के बहुत कामली अच्छे से. तो वो तो अपनी दुनिया में है, अपने आप को एक समुंदर में समझती है जहाँ वो अकेली फ्रीली घूम रही है. इवन दो हाँ पेरेंट्स एंड हर मदर आर शाउटिंग एट हर, येलिंग एट हर वेरी बैडली. डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा? डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़ अमांडा. उसकी मम्मी उससे कहती है कि क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया है? क्या तुमने अपना रूम क्लीन कर लिया है? मुझे लगता है शायद मैंने तुमसे ऐसा कहा था कि तुम्हें अपने शूज़ साफ़ कर लेने चाहिए. सो दिस इज़ हाउ हर मदर इज़ रिमाइंडिंग हर ऑफ द थिंग्स विच शी वॉज अर्लियर टोल्ड. लेकिन अमांडा तो अपनी ख्यालों में खोई हुई है. शी सेज आई एम एन ऑफन. ऑफन अनाथ है वो, ऐसा वो समझती है अपने आप को क्योंकि सब उसको डांटते ही रहते हैं. तो उसका मानना है कि मेरा कोई नहीं है यहाँ पे. आई एम एन ऑफन रोमिंग द स्ट्रीट्स. स्ट्रीट्स पे, रस्तों पे, रोड्स पे वो यूं ही घूम रही है. आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हश्ड बेयर फीट. मैं अपने नंगे पैरों से जो सॉफ्ट डस्ट है वो फील कर रही हूँ. द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट. जो शांति मैं महसूस कर रही हूँ वो बहुत ही सुनहरा है और जो फ्रीडम मुझे मिल रहा है वो बहुत ही स्वीट है. बिकॉज शी इज़ नॉट अवेयर अबाउट द स्कोल्डिंग दैट इज़ गोइंग ऑन अराउंड हर. शी इज़ बिजी इन हर थाट्स. Don't eat that chocolate, Amanda. Remember your acne, Amanda. Will you please look at me when I'm speaking to you, Amanda? So her mother says to stop eating the chocolate because she's getting acne. Acne are those bunch of small tiny pimples or reddishness which you find around your face. So she was having that acne and eating chocolate increases that according to her mother. Will you please look at me when I'm speaking to you, Amanda? That's all what she says. बट मैडम तो ख्यालों में है. सो शी सेज आई एम रैपन्ज़ल. मे बी द गर्ल्स विल बी नोइंग रैपन्ज़ल इज़ अ डिज्नी प्रिंसेस हु हैज़ एक्सट्रीमली लॉन्ग हेयर. उसकी हाइट से भी ज़्यादा लंबी उसकी बाल है, उसके बाल है. गोल्डन हेयर शी हैज़. आई एम रैपन्ज़ल, आई हैव नॉट अ केयर. लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर. ट्रैंक्विल मतलब बहुत शांत. वो कहती है मैं तो रैपन्ज़ल हूँ, मैं तो अपनी दुनिया में हूँ, मुझे किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं है, मैं बहुत काम लाइफ जी रही हूँ. आई विल सर्टनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर. और वो कहती है क्योंकि वो रैपन्ज़ल है ना, और रैपन्ज़ल के तो गोल्डन बड़े लंबे, बहुत उसकी हाइट से भी लंबे बाल है. तो बोलती है मैं अपने बाल को कभी भी काटूंगी नहीं. एंड दिस इज़ हाउ शी इज़ बिजी इन हर थॉट्स. बट हर मदर कंटिन्यूज स्टॉप दैट सल्किंग एट वन अमांडा. सल्किंग मतलब ऐसे चुपचाप शांति से बिना किसी की बात पे ध्यान दिए ऐसे मत करो. यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा. तुम हमेशा से बहुत मूडी हो. जब मन करता है तो ही बात करती हो या कुछ काम करती हो. एनी वन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू अमांडा. नैग्ड एट यू का मतलब होता है तंग करना या किसी को इतना परेशान करना कि सामने वाला डिप्रेस हो जाए या उदास हो जाए. दैट वॉज अ लिटिल पोएम अबाउट अ नॉटी लिटिल गर्ल. होप यू लाइक दैट. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.